सबको स्वागत है। आज हम 20 मार्च के श्रीवर्तन में आज चर्चा करेंगे कि वो सच्चा सच्चा सोमान कौन सा है, जिससे कि हमें महसूस हो कि हमारे अंदर परमात्मा ने, भगवान ने कुछ ऐसे गुण दिए हैं, शक्तियां दी हैं, जिनको अगर हम याद करें तो हमें खुशी रहे, हमें नशा चढ़ा रहे, और झूठा नशा नहीं, वो अहंकार वाला नहीं, सच्चा रूहानी नशा, जिसको सोच करके हमारे अंदर बहुत ही नशा आए और खुशी आए और हम कभी भी किसी चीज से उदास ना हो। तो आज परमात्मा पिता इन्हीं चीजों के बारे में हमें रिमाइंड करते हैं, याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि रूहानियत में रहकर स्पिरिचुअल, जिस्मानियत नहीं। जिस्मानियत के हिसाब से तो नशा चढ़ सकता है, मैं फलाने का बच्चा हूं, मेरे पिता ये है वो है, या मेरी ये पोजिशन है, या मेरे ये, मेरे पास में इतना धन दौलत है, या मेरी इतनी बिल्डिंग्स हैं, या मेरी इतनी कार हैं, गाड़ियां, ये एक लिमिटेड नशा है जो कि आज है, कल एक सेकंड में गायब भी हो सकता है। तो परमात्मा कहते हैं रूहानियत, इसलिए जिस्मानियत नहीं है, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले, स्वमान मीन्स स्व कौन, इनविजिबल सोल या आत्मा, अदृश्य आत्मा जो हम हैं, उसके स्वमान, उसको रिस्पेक्ट देना, किसी पर बैठने वाले सदा खुशी सर्व प्राप्ति स्वरूप भवा। परमात्मा कहते हैं हर एक बच्चे में किसी ना किसी गुण की विशेषता है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, टैलेंट्स है हमारे अंदर, तो ये सारे जो गुण हैं, ये शक्तियां हैं, दी किसने है, पहले तो ये याद करें, ये दी भी है परमात्मा पिता ने, एक गिफ्ट दिया हुआ है ताकि हम इस दुनिया में आकर के उस गुण या शक्ति के अनुसार हम कर्म करें या अपनी एक्टिंग करें। जैसे एक डायरेक्टर भी क्या करता है, डायरेक्टर बोलता है ये लो आपको मैं आज ये कपड़े दे रहा हूँ, और आपको मैं आज ये अस्त्र शस्त्र दे रहा हूँ, आपको ये अस्त्र शस्त्र के साथ में आपको आज हीरो की एक्टिंग करनी है, आज आपको विलेन की एक्टिंग करनी है। तो उसी तरीके से परमात्मा ने भी हमें कुछ अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं, वो फिजिकल नहीं है, मार्केट वाले नहीं है, लेकिन वो गुणों के, शक्तियों के अस्त्र शस्त्र हैं जो कि हमें दिए हैं ताकि हम इस दुनिया में उनके द्वारा औरों को लाभ दें, औरों की मदद कर पाए, तो जा करके ये दुनिया सुखी हो पाए। तो सभी विशेष हैं, गुणवान हैं, महान हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी सोचना है, लेकिन औरों से सीखना उनके गुणों को अच्छी बात है, लेकिन औरों के आप अगर फैन बन जाओ या उनके फॉलोअर्स बन जाओ तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं दिया तो मैंने उनको भी है, तो आप मेरे फैन क्यों नहीं बनते हो, उनके क्यों बनते हो, क्योंकि वो आपको हमेशा दे नहीं सकते हैं। ये रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान, कि मेरे अंदर कुछ गुण हैं, शक्तियां हैं जो कि मेरे को परमात्मा ने दी हैं, मुझे उनको याद करना है, चाहे धन दौलत चला जाए लेकिन वो गुण शक्तियां कभी ना भूले मुझसे। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता, क्योंकि आत्मा से रिलेटेड गुण क्वालिटी है जो कि हमें पता है, हमें स्मृति है कि परमात्मा की दी है, ये मेरी खुद की नहीं है, मैं इनको यूज करने के लिए धरती पर आई हूं। आत्मा अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो, क्योंकि अगर हमें अभिमान आ जाता है कि मेरे गुण है, मेरी शक्ति है, मेरा आइडिया, मेरी बुद्धि, तो परमात्मा कहते हैं वो कांटों की सीट है, फिर क्या कांटे लगते हैं उसमें, लोग आपको फिर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, कि मुझे आत्मा में ये गुण है जो कि मुझे परमात्मा ने दिए हुए हैं, सीट पर बैठ जाओ और ये मेरे सारे गुण है मेरे अंदर जो कि मेरे को इस्तेमाल करना है इस दुनिया में एक्टिंग करने के लिए, तो सदा खुश सुखी सदा श्रेष्ठ सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे कि हाँ मुझे कोई कमी नहीं है, हर चीज में मैं भरपूर हूँ। धन दौलत की बात नहीं हो रही यहाँ पर फिर से, क्योंकि हर कोई जब सोचता है खुशी है, किसी चीज की कमी नहीं, तो हर कोई सोचता है धन दौलत या पदार्थ या वस्तुएं, नहीं, यहाँ पर इन गुणों की, इन शक्तियों की बात हो रही है जिसको कि हमें बार बार याद करना पड़ता है, नहीं तो हम अपने धन दौलत की स्मृति में आकर के थोड़ी देर के नशे के लिए आते हैं, उसके बाद उनको नशा चकना चूर हो जाता है, जब हम किसी और को देखते उसके वस्तु ज्यादा है या किसी को देखते किसी वस्तु बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके परमात्मा कहते हैं उनकी स्मृति में ना आओ, अपने गुणों की शक्तियों की स्मृति में आओ जो कि आपके पास में परमानेंट है। ये सब कुछ सिखाया जाता है और इसको अनुभव करना बहुत जरूरी है, सिर्फ बोलना नहीं, अनुभव करना जरूरी है, और आपको अनुभव कराया जाता है ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। आप भी आइए और इसको सीखिए, आकर के अनुभव करना। ओम शांति के साथ।